नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का फॉर्मूला गुरु में। मैं हूं विपुल सिंह। फॉर्मूला गुरु में हर हफ्ते हम एक नई थीम के साथ आते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलती रहे। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे चौथी तिमाही के नतीजों की। जी हाँ, चौथी तिमाही के नतीजों के आधार पर किस तरह से बनाए पोर्टफोलियो, जिन सेक्टर्स के नतीजों ने निराश किया है क्या उनसे अभी बाहर निकल जाना चाहिए, और जहां पर क्या नतीजे अच्छे रहे हैं क्या वो सेक्टर आगे भी आउट परफॉर्म करेंगे। पोर्टफोलियो बिल्डिंग पर होगी 360 डिग्री चर्चा। कैसे बनाएं चौथी तिमाही के नतीजों के आधार पर अपना एक मजबूत पोर्टफोलियो, इन तमाम पहलुओं पर करेंगे बातचीत। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं उन सवालों पर जिनके जवाब आज हम अपने कार्यक्रम में तलाशेंगे। तो एक एक करके उन तमाम प्रश्नों को आपके सामने लाया जाएगा और उसको फिर हम अपने जो हमारे आज के फॉर्मूला गुरु हैं उनसे एक एक करके पूछेंगे। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण सवाल है वो सबसे पहले हम पूछेंगे कि आखिर में चौथी तिमाही में कंपनियों के मुनाफे की ग्रोथ में हमने देखा 11 महीने की सबसे कम ग्रोथ देखने को मिली है। क्या इससे एक नेगेटिव सेंटिमेंट भविष्य के लिए दिखाई दे रहा है, या फिर जो चीज़ें वर्स्ट थी वो पूरी हो चुकी हैं, आगे के लिए चीज़ें पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, ये समझेंगे आज के अपने एक्सपर्ट से। इसके अलावा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि मेटल के अलावा दिग्गज जो आईटी कंपनियां हैं उनके नतीजों ने काफ़ी निराश किया है, अभी इन कंपनियों में क्या करना चाहिए। ऑलरेडी हम देख रहे हैं काफ़ी हद तक जो है गिरावट आ चुकी है, तो क्या यहाँ पर अब नई खरीदारी करने के मौके मिल रहे हैं या फिर आगे भी नतीजे खराब रहेंगे और इसलिए इन सेक्टर्स से दूर रहना चाहिए। अब तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, खराब नतीजों की बात हुई तो अच्छे नतीजों की भी बात कर लेते हैं। बैंक BFSI और ऑटो कंपनियों के नतीजे शानदार देखने को मिले, कई सारे बैंकों में, ऑटो में, BFSI सेगमेंट में रैली भी अच्छी देखने को मिली। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या प्रॉफिट बुक करने का वक्त है, या चूंकि अच्छे नतीजे देखने को मिल रहे हैं और आने वाले समय में ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी इसलिए अभी भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है पैसे लगाने की, तो इन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में रखें या ना रखें। तीसरा महत्वपूर्ण सवाल, अगला महत्वपूर्ण सवाल ये कि चौथी तिमाही के नतीजों के बाद पोर्टफोलियो अगर हम बना रहे हैं तो चौथी तिमाही के जो नंबर्स हैं उनमें किन आंकड़ों पर नज़र डालें। कई बार ऐसा होता है साइक्लिकल बिजनेस की वजह से मुनाफा घट जाता है, कई बार जो है अतिरिक्त आय भी मिल जाती है, लेकिन अगर हम लंबी अवधि का नज़रिया ले रहे हैं तो किन नंबर्स पर हमें फोकस करना चाहिए। अगला प्रश्न ये कि आखिर में जब हम पोर्टफोलियो अपना बना रहे हैं उसमें हम सेक्टर पर फोकस करें। अब मान लीजिए बैंक में अच्छे नतीजे देखने को मिले तो क्या कोई भी बैंक चुन लें, या फिर इंडिविजुअल कंपनी की जहाँ पर हमने देखा कि भले ही सेक्टर की परफॉर्मेंस ओवरऑल ना अच्छी रही हो लेकिन कुछ एक कंपनियों के नतीजे ऐसा लग रहा है कि वो आगे चल करके अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं, तो सेक्टर देखें या कंपनी। अगला सवाल ये कि हम जिस तरीके से देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट महंगा होता हुआ दिखाई दिया है, क्या आने वाले समय में इसका असर और भी ज़्यादा नकारात्मक सबसे ज़्यादा किन सेक्टर्स पर पड़ेगा, और क्या उनसे दूरी बना करके चलनी चाहिए, वहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए, यह भी हम अपने एक्सपर्ट से समझेंगे। अब मानसून सबसे बड़ा ट्रिगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगले महत्वपूर्ण सवाल में हम ये समझेंगे कि सबसे बड़ा ट्रिगर मानसून है और उसको देखते हुए किस तरीके से हम पोर्टफोलियो अपना प्लान कर सकते हैं। क्या अगर मानसून खराब रहता है तो किन सेक्टर से दूरी रहनी चाहिए, मानसून सामान्य रखता है तो फिर क्या करना चाहिए, और क्या मानसून से जुड़े जो सेक्टर्स हैं उनमें पैसे लगाने भी चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि बड़ी सारी असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सातवां महत्वपूर्ण सवाल ये जानने का प्रयास करेंगे कि चौथी तिमाही के नतीजों के बाद किन सेक्टर्स की कंपनियाँ ऐसी हैं जिनको कि पोर्टफोलियो से बाहर कर देना चाहिए, जहाँ पर अभी फिलहाल छोटी अवधि में कोई भी संभावना एटलीस्ट अगले क्वार्टर के लिए दिखाई नहीं दे रही है, किन सेक्टर से दूरी बना लेनी चाहिए। आठवां महत्वपूर्ण सवाल कि जिस तरह के नतीजे हमने देखे हैं उसके बाद से किस सेक्टर की कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए, क्या जिन सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है उनको वाकई में अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, या फिर जो है किसी और कंपनी के पोर्टफोलियो को जो है अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और सबसे आखिर और सबसे महत्वपूर्ण आज का दसवां सवाल ये रहेगा कि आखिर में जो आज के हमारे खास मेहमान होंगे उनसे जानेंगे कि उनकी 5 पसंदीदा कंपनी कौन सी है, और अगर आप रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आखिर तक हमारे साथ रुकिए कि हमारे एक्सपर्ट अपनी रिसर्च के आधार पर पूरे नतीजों का एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि ये 5 कंपनियाँ आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होनी चाहिए लंबी अवधि के लिए। तो चलिए, फॉर्मूला गुरु में वक्त हो चुका है हमारे आज के खास मेहमान से आप सभी को रूबरू कराने का, उनका परिचय कराने का।
तो हमारे साथ आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए अविनाश गोरक्षकर जी मौजूद हैं, डायरेक्टर रिसर्च प्रॉफिट मार्ट के। अविनाश जी, बहुत बहुत आभार, अभिनंदन आपका आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और जब भी आप हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे दर्शकों को बहुत कुछ सीखने जानने का मौका मिलता है। और शेयर बाज़ार पे जो आपकी पकड़ है, और ख़ासतौर से रिटेल निवेशकों को आप जिस तरीके से समझाते हैं, वो निश्चित रूप से बहुत लोगों का मार्गदर्शन करता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और पहला प्रश्न ये रहेगा कि आज की थीम पर जाएँ कि आने वाले समय में आप बाज़ार की चाल कैसे देख रहे हैं, क्योंकि बाज़ार अब इस समय जो सबसे बड़ी जो रुकावट था उसके ऊपर तो आया है, लेकिन उसके आगे चलने के लिए थोड़ा हिचकिचा रहा है, थोड़ा डगमगा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर आपसे? पहले तो विपुल, आपका भी धन्यवाद मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। मार्केट का आउटलुक विपुल इन द नियर टर्म थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि आज से कर्नाटक के स्टेट इलेक्शंस शुरू हो चुके हैं, सैटरडे तक फाइनल रिजल्ट आएगा, और जो भी नतीजा आएगा वो डेफिनेटली मार्केट्स को डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट करेगा। मार्केट का अनुमान है कि यू नो बीजेपी अगर मेजोरिटी से आती है तो ऑब्वियसली आने वाले हफ्ते में, दैट इज मंडे को, आपको एक बहुत अच्छा यू नो गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं पे भी अगर ऐसा संकेत आता है कि ये हंग असेंबली होती है, किसी को आरटी को मेजोरिटी नहीं मिलती, तो मार्केट्स में थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे ख्याल से अभी जो मार्केट का स्तर है वो मोर ऑर लेस इंडेक्स यही के आसपास रहेगा। मेरे ख्याल से कंपनी स्पेसिफिक जो कंपनियां है वहां पे इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी भी नतीजे आ रहे हैं, प्लस एफआईएस के इनफ्लोज भी काफी जोरदार तरीके से मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं, तो ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कर्नाटका में बीजेपी पूरी तरह से हारती है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी। बट 18,000 का जो लेवल है वो जब तक मार्केट मेंटेन करता है, हमको कोई मार्केट में फिक्र करने वाली बात नहीं। तो शॉर्ट टर्म के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर जो नज़दीक में है वो है कर्नाटका का इलेक्शन, उसके बाद हो सकता है थोड़ी उथल पुथल दिखाई दे। और जैसा कि सर कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आती है बहुमत के साथ तो बाज़ार में एक तेज़ी देखने को मिलेगी, अगर पूरी तरह हारती है या हंग असेंबली होती है तो फिर बाज़ार में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। पर ये अभी तुरंत का ट्रिगर है, तो तब तक थोड़ी सी कॉशियस अप्रोच के साथ आप जो है बाज़ार में कामकाज करिए। चलिए अब आज की थीम पर लौटते हैं सर, और ये थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है। और फॉर्मूला गुरु में आप जैसे गुरु आकर के हर बार एक नया फॉर्मूला हमारी टीम को समझाते हैं, हमारे दर्शकों को समझाते हैं, तो एक एक करके हम तमाम जो सवाल है वो आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल यही सर कि चौथी तिमाही में हालांकि हमने देखा कि रिकवरी तो आई है अप्रैल महीने में, लेकिन नतीजे जो ऐसे रहे हैं, ओवरऑल 390 कंपनियों के अगर हम नतीजों की बात करें तो मुनाफे की ग्रोथ में हमने देखा है कि 11 महीनों में ये सबसे कम रही है। क्या इससे संकेत मिल रहा है, और क्या अगर बाज़ार अब जो मजबूत तरीके से अगर रेजिस्टेंस लेवल जो बना हुआ था 18,200 को तो अगर तोड़ के और आगे बढ़ता है नए हाई की तरफ, तो क्या फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट करेंगे? अभी के रिजल्ट्स को लेकर के आगे आपको क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं? देखिए, पहली बात तो जो आपने एनालिसिस किया है वो काफी बराबर है, क्योंकि मार्जिन्स का थोड़ा बहुत दबाव तो दिखने को मिला है। लेकिन आपको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि देखिए, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, रॉ मटेरियल के खर्चे बढ़े हैं, और जनवरी टू मार्च में इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण बहुत सारे सेक्टर्स में रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ गए थे। अभी आप एफएमसीजी की बात करें या टिपिकली ऑटो की बात करें, सीमेंट की बात करें, तो ये सारे सेक्टर्स में रॉ मटेरियल का खर्चा उम्मीद से ज्यादा बढ़ा था, तो ऑब्वियसली नंबर्स इतने कोई अच्छे आए नहीं है। लेकिन अच्छी बात है कि डिमांड अभी भी काफी स्ट्रांग है। अगर हम ऑटो सेक्टर की बात करें, ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें, कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट, तो डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, खर्चे थोड़े बढ़ गए तो मार्जिन प्रेशर जरूर है। आने वाले साल में मुझे लग रहा है कि देखिए, ऑलरेडी कमोडिटी प्राइसेस में थोड़ी बहुत कटाई देखने को मिली है, क्रूड के कीमतें $70 तक आई है, पाम ऑयल के प्राइसेस गिरे हैं, स्टील के भी प्राइसेस थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो ये मुझे लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इनको मार्जिन बढ़ाने में यू नो डेफिनेटली पॉजिटिविटी मिलेगी। हमको देखना पड़ेगा कि जून के बाद जो मानसून आता है वो कैसे आता है। मानसून अगर ठीक ठाक आता है तो डिमांड में और थोड़ी बढ़ोतरी आने की अपेक्षा रहेगी। तो मोटा मोटी 24 जो ईयर है वो पिछले साल के हिसाब से अच्छा रहेगा, तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई खतरे की या प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक रवैया आपको अपनाना चाहिए जी। तो ये आपके लिए, सब हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए सलाह यही निकल के आ रही है अविनाश जी की तरफ से कि नतीजे तमाम कारणों की वजह से थोड़ा दबाव देखने को मिला है, लेकिन आने वाले वर्ष में जो है वो चीज़ें अब जो है बेहतर जो होती हुई अभी दिखाई दे रही हैं उसका असर आने वाले तिमाही में, आने वाले वर्ष में देखने को मिलेगा। तो अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच जरूर अपनाएं। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल सर, जैसा कि अभी आपने कहा कि तमाम कीमतें घटी हैं, तो अब जरा जानना चाहेंगे कि अभी जो नतीजे हमने देखा, एक तो दिग्गज आईटी कंपनी जिसमें कि काफ़ी निराश किया, इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, टेक महिंद्रा हो, मेटल कंपनियों ने काफ़ी निराश किया। अब उम्मीद करें कि ये चीज़ें वर्ष जो है वो पूरा हो गया है
और आगे आने वाले समय में धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। आपका क्या व्यू है मेटल और खासतौर से जो दिग्गज आईटी कंपनियां हैं, क्या अभी यहां पर कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो मेटल कंपनीज की अगर हम बात करें तो मेटल कंपनीज में जो ग्लोबल मेटल प्राइसेस है वो अभी भी काफी नरम है, क्योंकि पहली बात तो देखिए चाइना मेटल का बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है, कस्टमर भी है। मेटल के मार्केट में अभी चाइना बहुत बड़ी मात्रा में उतरा नहीं है, तो ग्लोबली प्राइसेस अभी भी वीक है। अच्छी बात मेटल कंपनीज की है कि डोमेस्टिक मार्केट में इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग गवर्नमेंट बहुत तेजी से कर रही है, तो इनके लिए डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है। लेकिन जो बड़ा ग्रोथ अल्फा अगर मेटल कंपनीज में इन्वेस्टर्स को चाहिए तो उनको शायद एक दो क्वार्टर्स और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इमीडिएटली तो कोई बड़ा ट्रिगर मेटल कंपनीज में दिख रहे ना है। और ग्लोबल मेटल प्राइसेस जब तक बढ़ते नहीं है तब तक कोई बड़ी तेजी यहाँ पे नहीं होगी। रही बात आईटी कंपनीज के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि देखिए वैल्यूएशंस बहुत सस्ते हो गए हैं, अच्छे अट्रैक्टिव लग रहे हैं, लेकिन ग्रोथ का जो क्वोशेंट है वो अगले दो तीन क्वार्टर्स के लिए थोड़ा चैलेंजिंग रहेगा। ऑलरेडी कॉग्निजेंट जो बहुत बड़ी आईटी कंपनी है उन्होंने वीक गाइडेंस दिया है, तो ये बात का संकेत क्लियर है कि यूएस और यूरोप में जो प्रॉब्लम चल रहे हैं इसका असर इंडियन आईटी कंपनीज पे हुआ है। काफी इंडियन आईटी कंपनीज ने, जैसे कि इंफोसिस है, एचसीएल टेक है, टीसीएस है, इन्होंने सारे सिंगल डिजिट ग्रोथ की बात FY24 के लिए कही है। तो ये ग्रोथ जब तक आता नहीं है तब तक आईटी सेक्टर में कोई बड़ा उछाल नहीं आएगा। हालांकि देखिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कंपनीज अभी भी अच्छी तरह से प्रॉफिट कमाएगी, बट यहाँ से बड़ा ग्रोथ आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो अभी मेटल और आईटी से थोड़ा सा दूर रहे, अगर हम अभी अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं रिजल्ट्स को लेकर के, तो अगर 6-8 महीने के लिए का नजरिया है, एक साल का नजरिया है, तो थोड़ा सा इसको अगर पोर्टफोलियो से बाहर रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा, ये कह रहे हैं सर कुछ समय? बिल्कुल, मेरे ख्याल से जिनको अगले साल का रिस्क रिवॉर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश करना है उनको ये दोनों सेक्टर से थोड़ा सा हल्का होना चाहिए। चलिए, थोड़ा सा इससे यहाँ पर दूरी आप बना करके चल सकते हैं, आगे जैसे स्थितियाँ बेहतर होंगी तो फिर अविनाश जी जैसे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे, अविनाश जी से पूछेंगे कि आप मौके बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगले सवाल पर चलते हैं और ख़राब नतीजों के बाद बात अच्छे नतीजों की कर लेते हैं। बैंक, BFSI, ऑटो, ये हमने देखा कि इनका बड़ा योगदान रहा सर, कि जिस जो हमने ओवरऑल जो नतीजे पॉजिटिव देखे हैं मुनाफे को अगर हम देख रहे हैं तो वो इनका बड़ा योगदान रहा, चाहे वो ऑटो सेक्टर हो, BFSI हो, बैंकिंग में भी हमने देखा कि रिजल्ट ठीक रहे हैं। अब आप कैसे देख रहे हैं BFSI और ऑटो सेक्टर को, यहाँ पर अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? आपको लग रहा है कि एक रैली जो बन चुकी है उसके बाद थोड़ा सा अब एक बार थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से फिसल जाए तब करना चाहिए, और फंडामेंटली इन दो सेक्टर्स पे आपका व्यू? देखिए, मुझे लग रहा है कि बैंकिंग और ऑटो ये दोनों सेक्टर्स FY24 में भी काफी मजबूत परफॉर्मेंस दिखाएंगे। बैंकिंग की अगर हम बात करें तो देखिए क्रेडिट ग्रोथ ऑलमोस्ट 14-15% का रन रेट पे चल रहा है, और जब भी क्रेडिट ग्रोथ बढ़ता है तभी कॉर्पोरेट कैपेक्स बढ़ती है, रिटेल डिमांड तो वैसे भी स्ट्रांग है, और सारे सरकारी बैंक्स में हमने देखा है कि पिछले 8-10 साल में इनकी बैलेंस शीट सबसे मजबूत है, एसेट क्वालिटी बहुत ही लोअर लेवल पे आई है, और क्रेडिट ग्रोथ जब तक बढ़ता है तब तक इन बैंक्स को अपनी बैलेंस शीट बढ़ाने में मदद मिलेगी। रही बात ऑटो सेक्टर के ऊपर, तो मुझे लग रहा है कि सारे सेगमेंट जैसे कमर्शियल व्हीकल्स देखिए, पैसेंजर कार देखिए, टू व्हीलर देखिए, यहाँ पे डेफिनेटली वॉल्यूम ग्रोथ आया है, काफी कंपनीज बहुत बड़ी ऑर्डर बुक पे बैठी है, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले साल में जो कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार, टू व्हीलर, ट्रैक्टर कंपनीज है यहाँ पे जरूर एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा। तो दोनों सेक्टर में निवेशकों को मौके ढूंढने चाहिए। मेरे ख्याल से मार्केट में थोड़ा बहुत अगर करेक्शन आता है या कोई स्मॉल माइल्ड सेल ऑफ आता है तो उसको खरीदने के मौके समझ के यहाँ पे डेफिनेटली इन्वेस्टेड रहे। तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है बने रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर देश तरक्की करेगा तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि निश्चित रूप से जिनकी डिमांड जो है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगला सवाल ये कि सर, अब तमाम सेक्टर्स पे हमने बात कर ली जो अच्छे थे जो बुरे थे, अब जरा इस पर आते हैं कि अगर Q4 रिजल्ट्स के आधार पर पोर्टफोलियो अगर कोई बना रहा है तो किन आंकड़ों को ध्यान में रखना चाहिए? क्या जहाँ पर बुरी पिटाई हो चुकी है, नतीजे खराब रहे हैं और आगे का प्रॉस्पेक्ट अच्छा लग रहा है वहाँ पे नज़र रखनी चाहिए, जहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी अच्छी चीज़ें हो चुकी हैं वहाँ पर नज़र रखनी चाहिए, या फिर किन नंबर्स पे ध्यान रखें? बहुत सारे दर्शक ऐसे होते हैं जो रिजल्ट्स के आधार पर रणनीति बनाते हैं, लेकिन इस बार तो अच्छा चल गया शेयर, लेकिन जब अगली बार जाते हैं तो चीज़ें खराब हो जाती हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे हमारे दर्शकों, क्या फॉर्मूला है क्या कोई इसका? देखिए, पहली बात तो जब भी कोई पोर्टफोलियो आपको बनाना है तो आपको कम से कम अगले साल का एक ओवरऑल डिमांड सप्लाई का सिनेरियो कैलकुलेट करके लेना होता है, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो कामकाजी मार्जिन होता है। कंपनी का कामकाजी मार्जिन में क्या बदलाव आ गया है, अच्छा है, खराब है, उसके कारण क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, कंपनी का कर्जा कितना है। देखिए, जो कंपनी लगातार कर्जा ऐड कर रही है और रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रहा है वहां पे थोड़ा सा आपको बच के रहना है,
और सबसे बड़ी बात, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल के खर्चे कम हो गए हैं, सेलिंग प्राइस के प्रोडक्ट्स बढ़े हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम सीमेंट सेक्टर की बात करें तो जनवरी टू मार्च का क्वार्टर काफी खराब था, लेकिन अप्रैल में करीबन 40-50 रुपए की बैग, सीमेंट बैग की कीमतें बढ़ी है। पेटकोक यानी रॉ मटेरियल की कीमतें नीचे आई है, तो डेफिनेटली सीमेंट सेक्टर में आपको एक अच्छा उछाल इस साल देखने को मिलेगा। तो ये सारी बातें मोटा मोटी आपको देखनी है जब भी आप स्टॉक्स पोर्टफोलियो के लिए सिलेक्ट करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ध्यान में आप रखिए जब भी आप ख़ासतौर से रिजल्ट्स को लेकर के अगर आप कोई पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं अपना। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और सर एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि बहुत लोगों को लगता है कि नहीं, अब जैसे बैंकों पे लोग, आपने कहा कि काफ़ी पॉजिटिव व्यू है, ऑटो पे आपने कहा कि नहीं डिमांड बनी रहेगी, तो कोई भी कंपनी चुन लेनी चाहिए, सेक्टर पे फोकस करें, या फिर जहां पर हम देखें कि नहीं यहां पर जो है प्राइस मूवमेंट कम हुआ है, रिजल्ट्स अच्छे रहे हैं, यहां पर वैल्यूएशन आकर्षक लग रही है, फोकस कहां पे करना चाहिए अगर हम एक पोर्टफोलियो सिर्फ रिजल्ट्स के आधार पर बना रहे हैं कि हमने पढ़ लिया कि फलाना फलाना सेक्टर जो है निवेश के लिए अच्छा है, क्या उनमें से किसी भी कंपनी को उठा लेना चाहिए, या फिर किन किन पैरामीटर्स पे कंपनी को चुनते समय ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब भी आप कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो सेक्टर का आउटलुक होना जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी बात और अच्छी बात है कि आपको स्टॉक के बारे में थोड़ा और पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होना चाहिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही एडॉप्ट कर लीजिए, जैसे कि कंपनी का कामकाजी मुनाफा कितना बढ़ गया है, कितना रेवेन्यू बढ़ गया है, कितना कैश फ्लो जनरेशन हो गया है। ये सारी बातें निवेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मार्केट्स इन नंबर्स को बहुत अहमियत देता है। तो मेरे ख्याल से सेक्टर से ज्यादा कंपनी आउटलुक पे ज्यादा फोकस करना जरूरी है। तो सेक्टर से ज़्यादा अगर आप इस बात पर ध्यान देंगे कि कंपनी कैसा कर रही है तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा है, कंपनी के जो प्रदर्शन के साथ साथ उसकी वैल्यूएशन कैसी है, ऐसा तो नहीं जितना प्रदर्शन किया है उससे ज़्यादा शेयर भाग चुका है, ये तमाम छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगला प्रश्न सर, एक बड़ा जो कंसर्न है जो कि अभी भी दिख रहा है और आने वाले समय के लिए बना हुआ है, वो है महंगा कर्ज, ब्याज लागत जो है वो तमाम कंपनियों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकती है। कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर आपको लगता है कि ये ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, या आपको लगता है कि ऑलरेडी काफ़ी हद तक फैक्टर इन हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसका निगेटिव इम्पैक्ट अब आगे नहीं देखने को मिलेगा? देखिए विपुल, पहली बात तो जहां पे कर्जा ऑलरेडी ज्यादा है वहां पे उन कंपनीज को तकलीफ होगी, क्योंकि उनका वर्किंग कैपिटल, उनका जो एसेट फाइनेंसिंग का जो मिक्स है उससे उनके इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेंगे। लेकिन जो कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके उनके लिए कोई बड़ा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। लेकिन ओवरऑल हमको जब इंटरेस्ट रेट्स की बात आती है तो हमको डिमांड भी देखना है। अभी आज ऑटो की बात करिए, ऑटो कंपोनेंट्स की बात करिए, रियल एस्टेट की बात करिए, तो ब्याज रेट्स बढ़ने के बावजूद डिमांड बढ़ रहा है और उनको ये महंगा ब्याज भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है तो सेल बढ़ रही है। तो आपको नॉर्मल इंटरेस्ट रेट जब आप देखते हो बढ़ता है, तब आपको देखना है कि वो सेक्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है, ओवरऑल सेक्टर आउटलुक कैसा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि जो कंपनीज अभी आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो सेक्टर्स जरा तकलीफ में आ सकते हैं, वो बेसिकली मेटल सेक्टर हो सकता है, उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल हो सकता है, क्योंकि वहां पर डिमांड अभी भी थोड़ी मंदी चल रही है, तो वहां पर उनको सबसे ज्यादा दिक्कत की इंटरेस्ट कॉस्ट की होगी। तो जहाँ पर कर्ज ज़्यादा हो, जहाँ पर डिमांड कम हो, अगर कर्ज थोड़ा ज़्यादा भी है और डिमांड काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बेहतर हो सकती हैं, लेकिन अगर डिमांड भी कम है तो फिर समस्या हो सकती है। तो मेटल और स्पेशलिटी केमिकल के शेयरों से फिलहाल अभी दूरी बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि डिमांड में भी वहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। सर अब अगला जो सबसे बड़ा ट्रिगर है बाज़ार के लिए वो मानसून है, जिसको लेकर के अलग अलग अनुमान आ रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, स्काईमेट की तरफ से अनुमान आया कि जो आने वाले समय में जो है सूखे की स्थिति कुछ हद तक देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है मॉनसून सामान्य रहेगा, अलिनो का खतरा बना हुआ है। ऐसे में जब हम पोर्टफोलियो बना रहे हों 6-8 महीने के लिए, साल भर के लिए, अगले साल के लिए, तो किन चीज़ों को हमको अवॉइड करना चाहिए? क्या हमें मानसून से जुड़ी हुई सेक्टर्स को अवॉइड पूरी तरह करना चाहिए, या हमको ये फैक्टर करके चलना चाहिए कि यहाँ नुकसान हो सकता है या फ़ायदा हो सकता है? आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, मुझे लग रहा है कि मानसून एक ऐसा ट्रिगर है जो सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल, अगर हम ऑटो की बात करें तो टू व्हीलर सेल्स जो रूरल इंडिया से ज्यादातर आती है, गाड़ियों की भी डिमांड जो रूरल मार्केट से आते हैं, उसका इफेक्ट डेफिनेटली ऑटो सेक्टर पे आता है। तो ये कहना मुश्किल है कि कौन से सेक्टर्स को आप अवॉइड करें, बट हाँ, अगर आप डेफिनेटली प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस कंपनीज की बात करेंगे, जैसे एक्सचेंजेस का धंधा है,
जैसे कि कंपनियां IEX है, उसके बाद MCX है, तो इनके लिए कोई दिक्कत होती नहीं क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म बेस्ड बिजनेस होता है। तो नॉर्मली हमको लगता है कि ऐसे माहौल में आपको थोड़ा रिस्क स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कंपनीज और ऐसे सेक्टर्स में पैसा लगाना चाहिए जो बेसिकली मानसून रिलेटेड डिमांड से नहीं आती। तो उसका मतलब है कि आप टेलीकॉम में पैसा लगा सकते हो, उसका IT में थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हो, बट डेफिनेटली अगर आप मानसून रिलेटेड सेक्टर्स की बात करेंगे, जो अगर मानसून खराब आता है तो FMCG, ऑटो, उसके बाद एग्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर्स, ये सारे डायरेक्टली मानसून से इफेक्टेड होते हैं। तो मेरे ख्याल से डिफेंसिव स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि थोड़ा बहुत IT, थोड़ा बहुत मीडिया, थोड़ा बहुत फार्मा, ऐसे सेक्टर्स में फिर निवेशकों को पैसा डालना चाहिए क्योंकि उनका सीधा इम्पैक्ट मानसून से बिल्कुल होता नहीं। अभी सर, चूंकि हम लोग आज ही ये पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं, आपसे जानना चाहिए इस फैक्टर को कंसीडर करना भी चाहिए या नहीं कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि हम ठीक है खाली ये सवाल के लिए नहीं है, लेकिन अभी एक बड़ा कंसर्न तो है। तो क्या अपना पोर्टफोलियो जो है, जो कंपनियों का जिक्र किया, जिन सेक्टर्स का आपने जिक्र किया, उधर डिफेंसिव अप्रोच अपनानी चाहिए या फिर जो एक फंडामेंटल्स दिखाई दे रहे हैं उसके आधार पर ही चलना चाहिए? मुझे लग रहा है कि देखिए अभी भी मानसून का जो फाइनल रिपोर्ट है वो आना बाकी है। IMD ने तो क्लियरली कहा है कि मानसून इस बार नॉर्मल होगी, हालांकि बिल्कुल स्काईमेट ने कहा है कि मानसून में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। मुझे लग रहा है कि एंड ऑफ मई या अर्ली फर्स्ट वीक ऑफ जून तक ये मामला फाइनल हो जाएगा और उसके बाद मार्केट्स को भी एक कंफर्ट मिलेगा कि मानसून किस प्रकार से होने वाला है। हमारा मानना है कि देखिए ऑटो, ऑटो कंपोनेंट्स, उसके बाद कैपिटल गुड्स, उसके बाद रियल एस्टेट, उसके बाद इवन एग्रोकेमिकल की अच्छी कंपनियां अभी मार्केट में अवेलेबल है। तो थोड़ा बहुत निवेश आपको जरूर करना चाहिए, थोड़ा रिस्क लेके आप पोर्टफोलियो में इनको इंक्लूड कर दीजिए क्योंकि बिल्कुल मानसून फाइनली कैसे पैन आउट होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कंपनी की फंडामेंटल अच्छी है तो डेफिनेटली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, लंबा नजरिया रखे यही इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक रहेगा। तो लंबे अवधि के साथ जो है, थोड़ा सा अगर आप शेयर बाजार में हैं, थोड़ा रिस्क लेकर के अच्छी कंपनियों में जो है वो आप जो है अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। अब सर, आखिरी के दो तीन प्रश्न बचे हुए हैं और जो है हम चाहेंगे कि हमारे तमाम जो दर्शक होंगे उनका भी ध्यान इस बात पे होगा कि इन तमाम जो हम लोग बात कर रहे हैं उसका निचोड़ क्या निकल रहा है। तो आपसे आठवां प्रश्न यही है कि Q4 नतीजों के बाद अब कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको लग रहा है, एक तो आपने जिक्र कर दिया कि कहीं ना कहीं स्पेशलिटी केमिकल को बाहर कर दीजिए, मेटल को बाहर कर दीजिए, इसके अलावा भी कोई सेक्टर हैं जिनको आपको लगता है कि अभी रिजल्ट सीजन को ख़त्म करने के बाद, अभी 2-4-6 महीने के लिए, 7-8 महीने के लिए इन सेक्टर से थोड़ी दूरी बना करके चलनी चाहिए? मेरे ख्याल से देखिए फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है वहां पे थोड़ा सा बच के रहिए क्योंकि देखिए डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर जो है वहां पे अच्छी तेजी हमको दिख रही है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो डोमेस्टिक ऑटोमोबाइल, ऑटो कंपोनेंट्स, कैपिटल गुड्स, यहाँ पे तो तेजी दिख रही है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज की बात करें, जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स है, उसके बाद फार्मा है, उसके बाद मेटल्स है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेंड अभी भी वीक लग रहा है। IT में भी मैंने जैसे कहा कि देखिए इतनी बड़ी दिक्कत तो दिख नहीं रही है लेकिन ग्रोथ बिल्कुल ना के बराबर दिख रहा है। तो IT, मेटल्स, उसके बाद फार्मा, स्पेशलिटी केमिकल्स, यही सेक्टर से थोड़ा सा बच के रहिए क्योंकि ये सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मार्केट में जो होता है वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। तो मेरे ख्याल से यही एक स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट एज ऑफ नाउ फॉलो करनी चाहिए। तो निर्यात से जुड़ी हुई जिन कंपनियों का ज़्यादा फोकस है, जहाँ पर ज़्यादा एक्सपोजर है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति आप सबको पता है किस तरीके से देखने को मिल रही है, बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, तो उन जगहों से दूरी बना करके चलें जहाँ पर निर्भरता दूसरे देशों पर ज़्यादा है। अगला सवाल सर, कि अब जो नतीजे देखने को मिले हैं, कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनको अपने पोर्टफोलियो में, जिनके जिन जिस सेक्टर्स के शेयर ज़रूर होने चाहिए, जहां आपको लगता है कि अभी अगर डिमांड नहीं है तो आने वाले समय में मिलेगी, या फिर पिछले क्वार्टर्स के रिजल्ट्स ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं कि ये आपके आपके पोर्टफोलियो में इस तरह के सेक्टर्स तो निश्चित रूप से होने ही होने चाहिए? देखिए दो सेक्टर जो मुझे लग रहा है कि बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर बैठे हैं वो एक तो सीमेंट है और दूसरा है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने के बावजूद जो इन्वेंट्री की सेल हो गई है सारी रियल एस्टेट कंपनीज की, वो बहुत बढ़िया है। और रियल एस्टेट में जब साइकिल आती है तब कम से कम 5 या 6 साल के लिए चलती है और रेरा आने के बाद, बहुत रेगुलेशन आने के बाद अभी इस सेक्टर में बहुत बढ़िया ग्रोथ देखने को मिला है। तो डेफिनेटली रियल एस्टेट एक अच्छा सेक्टर रहेगा, उसके बाद सीमेंट रहेगा क्योंकि जैसे हमने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट ने इस बजट में 10 लाख करोड़ का बजट आउटलाइन किया है, इसका पहला बेनिफिट सीमेंट को मिलेगा। उसके बाद आपको कैपिटल गुड्स में देखना चाहिए क्योंकि कैपिटल गुड्स इंडिया का बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था लेकिन अभी ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है। और उसके बाद आपको ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, ये सेकुलर ग्रोथ रिलेटेड सेक्टर्स है, यहाँ पे डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहिए। तो ऑटो, ऑटो कंपोनेंट, सीमेंट, कैपिटल गुड्स, ये वो सेक्टर्स हैं जिनको कि आपको अपने अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए।
लेकिन निश्चित रूप से तमाम दर्शक ये सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत जो है कैसे ढूंढें इनमें से अच्छी कंपनियां, क्योंकि अविनाश जी ने ये भी कहा है कि किसी भी कंपनी में दाव नहीं लगाना है। तो सर अब आखिरी प्रश्न पर जाएं, उससे पहले हम जानना आपसे ये चाहेंगे कि एक चुनाव करते समय, एक पोर्टफोलियो बनाते समय बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, वो जो आप हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे, उसके बाद से आपके पसंदीदा शेयर भी जो है हम अपने दर्शकों को बताएंगे। देखिए, पहली बात तो जब आप कोई भी कंपनी में निवेश करते हो तो पहले तो आपको प्रमोटर का बैकग्राउंड, उनकी काबिलियत और कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखना है। दूसरी बात, कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल है, वो कितना स्ट्रांग है, वो उस बिजनेस सेगमेंट में कितना बड़ा मार्केट शेयर या कितना बड़ा गेम पोजीशन रखते हैं। क्योंकि जितना बड़ा लंबा पोजीशन होता है, सुपीरियर पोजीशन होता है, कंपनी बहुत अच्छा काम करती है, तो मार्केट शेयर नॉर्मली जिसको ज्यादा मिलता है वो कंपनी पे पहला दाव लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जो कंपनी अपनी कैश फ्लो और अपनी अर्निंग्स ग्रोथ कम से कम 15-20% हर साल बढ़ाती है, ऐसे कंपनीज पे आपको नजर रखना है। तो ये 2-3 चीजें बेसिक चीजें जहां पे आपको नजर रखनी है। और ऑब्वियसली अगर कर्जा कम है तो इसमें और कोई और भी एक अच्छी बात होती है कि ऐसी कंपनीज में ग्रोथ और अच्छी देखने को। ठीक सर, अब इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, पोर्टफोलियो एक सुरक्षित तरीके से बनाइए। लेकिन हाँ, आपके पोर्टफोलियो को बनाने की प्रक्रिया को और आसान करने के लिए अविनाश जी से आखिरी प्रश्न पूछते हैं। अविनाश जी, चौथी तिमाही के नतीजे देखे, बहुत कंपनियों ने बहुत शानदार तरीके से आउट परफॉर्म किया, बहुत शेयरों ने काफ़ी शानदार रिजल्ट देखने को मिले। हमने इस बार हमने खासतौर से मिड कैप आईटी में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां रही जिन्होंने शानदार जो है अपमूव दिखाया है। लेकिन अब अगर हमें 5 कंपनियां कोई चुननी हो, एक पोर्टफोलियो 5 कंपनियों का बनाना हो, आपके पसंदीदा शेयर कौन से हैं जो आपको लगता है कि नहीं, इन 5 कंपनियों को चौथी तिमाही के नतीजों के बाद अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं ये 2 हिस्सों में बांटूंगा। 2 कंपनी जो लार्ज कैप में हमको पसंद है, एक तो टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर्स ने, आप सभी को पता होगा कि बहुत लंबे समय के बाद अभी 12 मई के उन्होंने डिविडेंड अनाउंस करने की बोर्ड मीटिंग अनाउंस की है। नंबर्स बहुत तगड़े हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली एक छोटी पोजिशन आप बना सकते हो। दूसरी कंपनी जो कैपिटल गुड्स को की फ्रंटलाइन कंपनी है, वो है लार्सन एंड टूब्रो। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन अच्छा है, ऑर्डर बुक भी रिकॉर्ड हाई पे है। और 2-3 जो छोटी कंपनियां है, इसमें से एक मदरसन सुमी है जो ऑटो कंपोनेंट्स और पैसेंजर कार सेगमेंट में बहुत बड़ा एक्सपोजर रखती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली शेयर का प्राइस भी अच्छा लग रहा है। और उसके बाद अगर आप सीमेंट सेक्टर की बात करें तो ओरिएंट सीमेंट एक छोटी सीमेंट कंपनी है जिन्होंने हाल ही में बहुत अच्छे नंबर्स दिखाए हैं। तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटका में इनके सीमेंट प्लांट्स है। कैपेसिटी करीबन 8.5 मिलियन टन है जो अभी बढ़ रही है 11 मिलियन टन के लिए। और फाइनली मुझे लग रहा है कि ये सारी कंपनीज में अगर आप निवेश करते हैं तो अच्छी खासी कमाई आपको अगले 8 से 12 महीने में मिलेगी। थोड़ा सा SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर खरीदना है तो यहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं। तो SIP के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहें थोड़ा थोड़ा करके निवेश करें, एक साथ आप लगाना चाहें तो भी आप लगा सकते हैं और 8 से 12 महीने में अच्छे नतीजे यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अच्छे मुनाफे आपको देखने को मिलेंगे। एक बार फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए जरा वो तमाम कंपनियों को जो दर्शक नहीं नोट कर पाए हैं। तो ऑटो कंपनी में टाटा मोटर सबसे अच्छी लग रही है, ऑटो कंपोनेंट में एक छोटी कंपनी मदरसन सुमी पकड़ी गई जहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। रियल इस्टेट का जिक्र किया था आज जो है अविनाश जी ने, तो यहाँ पर अनंतराज में उनको लगता है कि आने वाले समय में अच्छी संभावनाएँ बन रही हैं। सीमेंट में ओरिएंट सीमेंट की जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा आकर्षक दिखाई दे रही है। और एक और दिग्गज जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र हो रहा था उसमें L&T, तो इन 5 कंपनियों पे आप नजर बना करके चलें। उम्मीद करते हैं चौथी तिमाही के नतीजों के बाद जो है अगले 8 से 12 महीने में ये कंपनियां आपके पोर्टफोलियो को न सिर्फ मजबूती प्रदान करेंगी बल्कि आपको अच्छे खासे रिटर्न भी देंगी। तो अविनाश जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी आते हैं बहुत कुछ हमारे दर्शकों को जानने सीखने का मौका मिलता है। आपने इतने व्यस्त कार्यक्रम में से अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और भी चर्चा करने का जो है बहुत सारे प्रश्न थे लेकिन आपकी अपनी व्यस्तताएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। चलिए, तो फिलहाल फॉर्मूला गुरु को यहीं पर समेटते हैं। लेकिन इन 5 कंपनियों के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां शेयर बाज़ार में लिस्टेड हैं, उनसे जुड़ा भी कोई सवाल हो, आप कहीं फंस गए हैं, कोई कंपनी का मुनाफा गिर गया, किसी का बढ़ गया, आप फंसे हुए हैं, तो आप हर रोज़ दोपहर 1 से 2 हमारे साथ जुड़िए हमारे खास कार्यक्रम हेलो मनी नाइन मेरा सवाल है में। और जो भी आपके प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं 9311-21874 पर। तो लगातार मनी नाइन के साथ बने रहिए। फिलहाल फॉर्मूला गुरु में मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए मनी नाइन के साथ। नमस्कार।